एक ओर राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक यही वजह है जिसके कारण गरीब से गरीब भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने से कतराते हैं। ऐसा ही वाक्य सिकंदरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला। यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है। वही विद्यालय स्टाफ की लापरवाही व समय पर विद्यालय नहीं पहुँचने के चलते बच्चों की पढ़ाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इंटरवल से पहले ही बच्चे स्कूल के बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि हमारी अध्यापिका तो पुस्तकालय में बैठकर आराम कर रही है। सरकारी स्कूलों में मनमर्जी का बजट पास कर भुगतान तो उठा लिया जाता है, पर बच्चों की पढ़ाई की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिए जाने से इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इनके आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। आपसी मिलीभगत के चलते चोर चोर मोसेरे भाई वाली पुरानी कहावत चरितार्थ हो रही है। कितने बजे होती है तुम्हारी? एक। अभी तो 12 ही बजे हैं। तो तुम बाहर घूम रहे हो, मास्टर नहीं है क्लास में है? नहीं है ना, खाली चल रहा है पीरियड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? पहली से लेकर चौथी तक। पहली से लेकर चौथी तक के बच्चे हैं? पांचवी तक पढ़ते हैं।